तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी अपनी सभी गायों का जिनका दूध निकालना था उनका निकाल लिया है और खुराक भी गायों को दे दी है। अभी सिर्फ चारा डालना बाकी है। अभी लाइट का इंतज़ार है, लाइट आएगी तब चारे की कुट्टी करेंगे और गायों को डालेंगे। अपनी बूढ़ी गाय रात को बैठी थी और अभी तक भी बैठी है। खुराक भी उसने जगह पर ही खा ली, आज खा ली उसने, नहीं तो कभी कभार बैठ गई तो फिर वो खुराक भी नहीं खाती। बाकी इस साइड से हमने खुराक की गोने लगा दी है, उसको बैठने में आसानी होती है, नहीं तो वो गिर जाती है बैठती उस टाइम। तो अभी बाहर की साइड अपने चुटकी और चुटकू को खुराक रखी है, महाराज की खाने हो गई और वो सूखा चारा खाने चला गया। तो अभी वो बांधते नहीं उसको तो चला जाता है हवा, ज़्यादा टाइम नहीं रुकता एक जगह। तो ये दोनों यहाँ पे हैं, इनकी भी खुराक खानी ख़त्म है, खाना हो चुका है, थोड़ी बहुत बची है। बाकी ये पूरी साफ कर देंगे अभी, फिर इस कड़ाई को धो के रख देंगे, बाद में चारे की कुट्टी रखने होंगी। अभी तो रखी नहीं है, अभी तो चारा कुट्टी करना बाकी है, तो फिर इसका होने के बाद रखेंगे। बैलों को थोड़ा सूखा चारा दे दिया है, खेतों में काम है, लेकिन बारिश ना सुबह आती है और दोपहर के बाद खुल जाती है। हर दिन सुबह हल्की बारिश रहती है फिर दोपहर के बाद पूरी खुल जाती है, इसलिए खेतों में काम नहीं हो पा रहे ठीक से। तो अभी आज करेंगे, अगर बारिश अच्छी खुली रही तो फिर ऐसे आती जाती रहेगी तो आज भी नहीं होगा। तो अभी करेंगे, अभी तो हम थोड़े टाइम बैठ लेते क्योंकि आधा घंटा है लाइट आने में देर, तो उतने टाइम हम खाना खा लेंगे या फिर बैठे रहेंगे, और कुछ काम कर नहीं सकते। उस वाले फार्म के भी सारे काम हम करके आ चुके, अभी सिर्फ चारा डालना और गाय को खोलना है, लेकिन चारा कुट्टी होने के बाद। तो फिर से एक बार अपना मशीन में चारा अटक गया है, कुट्टी मशीन में, ये देखो नीचे चारा है, बाकी अटक गया है, कुट्टी थोड़ी सी हुई और लाइट चली गई। तो महाराज यहाँ बैठा है, काफ़ी देर से लाइट चली गई है, अभी लाइट गए हुए 2 घंटे के करीब हो गए हैं, लाइट चली गई तो थोड़ी कुट्टी हुई थी, तो हमने चुटकी और चुटकू को रख दी है तो वो खा लेंगे जो कुट्टी है। बैलों को हमने सूखा दिया था और अभी हमने फिलहाल सभी गायों को सूखा चारा डाल दिया, क्योंकि चारे की कुट्टी टाइम से नहीं हो गई तो फिर क्या काम की हो कुट्टी। अभी तो सुबह का टाइम था तो फिर चारे की कुट्टी 2 घंटे लेट रुकने के बाद भी लाइट नहीं है, तो फिर हमने सूखा डाल दिया अपनी सभी गायों को। 2-3 दिन से इनको चारा नहीं मिल रहा था, सूखा हरा ही मिल रहा था, तो अभी इनको सूखा डाल दिया है, तो अभी ये सूखा खा लेंगी सभी गाय, फिर रात को कुट्टी, फिर कल सुबह कुट्टी हरी वाली। तो अभी तो ये बड़ा हुआ है चारा, ये भी कल और आज शाम का होगा लाइट आई तो महाराज यहाँ बैठा, इसने भी कुट्टी खा ली हरी, तो चुटकी और चुटकू के साथ खा रहा था, अभी उसका खाना हो गया तो चारे के पास आके बैठा है। तो बैल चिल्ला रहे क्योंकि बैलों को सुबह चारा डाला और गायों को अभी बच चुके हैं 10 बजे गायों को चारा मिला और बैलों को 7 बजे, तो उनका ख़त्म हो गया तो वो चिल्ला रहे। तो अभी हम उस वाली फार्म की गाय चराने जाएंगे क्योंकि लाइट का वेट करते करते हमारा खाना भी हो गया, काफ़ी देर रुके और लाइट नहीं, तो अभी तो सूखा है। तो अभी हम उस वाली फार्म की गाय चराने जाएंगे, इनका भी काम हो गया है। तो भाई अभी हम अपने डॉग को पावड़ा खिला रहे हैं, ये देखो, जो कि कल बनाए थे शाम को खाने के लिए, तो बाकी बच गए, तो अभी हम अपने डॉग को डाल रहे हैं। 3 डॉग ये है यहाँ पे, एक डॉग अभी तक आया नहीं है, उसको 10-11 दिन हो गए अभी, और एक डॉग यही कहीं होगा, तो अभी इनको खाना दे रहे, उनका खाना भी बाकी था सुबह से, तो फिर वो अभी दे रहे हैं, ये देखो सभी को डाल रहा है छोटा भाई, फिर वो उनका खाना हो जाएगा, फिर उनको शाम को देंगे, बाकी बचा के रखेंगे शाम के लिए, बाकी अभी दे देंगे। तो अभी अपनी गायों को चरने के लिए खोल दिया है और ये जा रही सभी, ये देखो छोटे है बड़े आगे चले गए हैं और एक को पीछे छोड़ दिया मैं, तो आ जाती है पीछे पीछे, अगर एक साथ ले जाते हैं तो फिर बड़े मारते हैं, तो पीछे जाते नहीं हैं, पीछे पीछे रहते, तो उनको पीछे छोड़ दो, बड़ों को आगे, फिर पीछे अपने आप आ जाते हो। सो अभी चलते हैं, आगे बड़े चले गए हैं, अब हम पीछे से जा रहे हैं छोटे लेके, तो बड़े आगे जा रहे हैं, बाकी सारे छोटे यहाँ पे है पास में ही, और आज ना महाराज ना चुटकू ना चुटकी, तीनों में से कोई नहीं आया, सभी इस वाले फार्म पे, जो एक गाय हम लाए थे पहले वो भी अभी उस वाले फार्म पे रहती है, वो भी अभी नहीं लाते यहाँ पे। तो अभी सभी को हम चराने वाले है, बारिश आ रही है बार बार कल की तरह, दोपहर के बाद किस तरह होता है माहौल पता नहीं, अभी तक तो आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, परेशान हो जाते हैं लोग,
क्योंकि ये चारा गीला होने की वजह से खाते नहीं ठीक से, फिर ये ज़्यादा चलते हैं, तो यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत अच्छे से चारा खाते, अगर बारिश चलती रही तो फिर भाग दौड़ होती। अभी तक तो सब ठीक है, अभी आए हम, अभी तो थोड़ी देर तक चलेंगे, फिर बाद में अपने आप खाने लग जाएंगे। और जितना शाम के टाइम ये अच्छे चरते हैं उतना कोई टाइम सुबह नहीं दोपहर को नहीं, जितना टाइम वो अच्छा रहता है शाम वाला, उससे अच्छा टाइम कभी नहीं है गाय चराने का, क्योंकि उस टाइम काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे अपनी गाय चरा रहे हैं। ये बड़े हैं इस तरफ सारे, और इस तरफ ये सारे छोटे। तो थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी हल्की, और दो मिनट के अंदर चली गई। तो अभी बारिश आई तो ये थोड़े भाग दौड़ करने लग गए थे, अभी फ़िलहाल सही से चर रहे हैं, बारिश बंद हो गई। तो अभी तो बच गए हैं दोपहर के दो, अभी और टाइम रुकेंगे। अभी तक तो खाना आपने को आया नहीं है, मेरे को कॉल आया था तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए अभी तक खाना, जब चाहिएगा तब हम कॉल कर देंगे। अभी तो सब सही है, ये रही, तो रुकते और थोड़ी देर, क्योंकि अभी किसी की नहीं है गाय यहाँ पे, सिर्फ अपनी है, तो भाग दौड़ नहीं होने वाली। तो भाई अभी बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखो एक सामने बच्ची है, बाकी सामने की तरफ गाय है, ये रही, बाकी बच्चे पीछे है, छोटा बैल आ रहा है, ये देखो, और तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तो अभी भाग दौड़ करने लग गए हो। पूरा दिन आज ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, परेशान करके रखा है, क्योंकि ना गाय चल रही है ठीक से, तो गाय का पेट भी खाली है और हमें भी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। तो अभी देखते हैं कितने टाइम तक ऐसे ही चलता है, लग तो पूरा ही दिन रहा है, क्योंकि बारिश आ रही है जा रही है, देखो सामने की तरफ जा रही है बारिश। तो अभी इन सबको एक्साइट करता हूँ। तो अभी बज चुके हैं शाम के चार, और अभी तक हम अपनी गाय चरा रहे और एक घंटा चराएंगे। ये देखो ऐसी खुराक मिलती तो पास आते रहते हैं, ये देखो इसने खा ली, ये अभी तक खुराक खाती नहीं है, क्या रीजन है पता नहीं, जो पानी में भिगोई होती खुराक को खा लेती है लेकिन सूखी नहीं खाती। तो बाकी नीचे की तरफ अपनी सभी गाय, ये रही, और जो आगे है वो दूसरे की है, ये पास वाली सभी अपनी है। तो अभी हम और एक घंटा रुकेंगे, 5 बजे जाएंगे वापस फार्म पे। तो अभी तक हमारा खाना बाकी है, खाना अभी तक आया नहीं, और कॉल आया था ले जाओ, तो हम गए नहीं लेने के लिए खाना, क्योंकि अच्छे से भूख भी लगी नहीं है, तो फिर हम जब जाएंगे फार्म पे तभी खाना खाएंगे। तो अभी फार्म पे वापस जाने का टाइम हो चुका है, तो अभी जा रहे हम, आगे है सभी बड़े और पीछे है सभी छोटे, तो चलते फटाफट फार्म पे। तो अभी ये अंदर वाले बांध दिए हैं, ये दो यहाँ हो गए, एक या दो यहाँ है, बाकी ये छोटे सभी खुले हैं अंदर में, बाहर भी बड़ों को बांध दिया है, और अभी इनका काम हो गया कंप्लीट। इन्होंने तो पानी भी नहीं पिया, क्योंकि बारिश चल रही थी सुबह से, तो गीला चारा था, तो इसलिए इन्होंने पानी नहीं पिया। तो चलते अभी फार्म पे, देखो बाहर भी सभी बांध दिए हैं। तो भाई अपना डॉग आ चुका है, 10 या 12 दिन हो गए होंगे उसे, तो आज आ चुका है फाइनली ये वाला डॉग अपना, और कुछ जगह लगा नहीं है, और थोड़ी तबीयत उसकी पहले से कमजोर हो चुकी है, खाना पीना नहीं होगा बाहर अच्छा, तो वापस आ चुका है। ये देखो ये उसके पिछले पैर के ऊपर यहाँ पे थोड़ा उसको खुजली जैसे हो गई थी, तो क्लियर हो गया था, अभी ठीक है लेकिन कमजोर हो चुका है। तो आ चुका है फाइनली, 10 या 12 दिन हो गए उसे आए, बाकी अपने 5 डॉग वापस से पूरे हो गए हैं, अपनी गायों को खुराक रख दी है, बूढ़ी गाय भी खा रही है, सुबह बेटी तो वो भी दोपहर को खड़ी हो गई थी। तो अभी चारा भी कुट्टी हो चुका है हरा, वो भी रखना बाकी है। एक गाय अभी मुझे लग रहा है कि भाई 8 या 10 दिन में ये बच्चा दे देगी। अभी आज है 30 जुलाई, तो आज से 10 दिन से पहले दे देनी चाहिए बच्चा। तो बाकी ये रही
तो चाचा जी डाल रहे हरा चारा, और महाराज को आज कब से बांध दिया पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे फार्म पे नहीं था तो मैं आया तभी तो मुझे वो बंधा हुआ दिखा। तो ये चारा कुट्टी हुआ है, ये देखो सामने महाराज खुराक खा रहा है, कब बांधा है पता नहीं लेकिन बांध तो दिया है। पेट उसका हर दिन से थोड़ा खाली आज, क्योंकि ज़्यादा टाइम पहले बांध दिया होगा तो खाना कम खाया है। चुटकी और छुटकू ये सामने, उनका भी चारा ख़त्म, फिर से थोड़ा रखना पड़ेगा। दोनों बैल है सामने, उधर बांध दिए है, यहाँ पे थोड़ा गीला हो गया था तो कीचड़ हो जाता ज़्यादा टाइम रहते तो बारिश आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो खेत में हल भी चल गया, 2 एकड़ का काम भी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि बारिश बहुत तेज नहीं आ रही थी जा रही थी तो खेत तो पूरे गीला नहीं कर पाई वो, लेकिन काम में रुकावटें आती रही। तो बैल अभी सामने है, रात को वही रहेंगे, वहाँ पे चारा डालना है उनको। तो अभी हम थोड़े बहुत काम बचे वो कर लेते हैं। तो भाई ये देखो सामने चुटकू खेल रहा है, ये देखो भारी आज, और ये चुटकी है वो भी भारी है, तो दोनों भारी खेल रहे ये देखो। तो कोई वो अपनी माँ का दूध पीने जाने रहा है, क्योंकि आदत हो गई अभी उनको बाहर की है। तो ये देखो दोनों मस्ती कर रहे हैं, देखो पूछ उठा के भाग रहे एक दूसरे के पीछे, ये रहे। तो आज उनको बहुत दिनों के बाद खोला है तो वो दूध पीने की बजाय खेलने लग गए, ये देखो दूध नहीं पी रहे वो, और महाराज यहाँ पे दूध पी रहा है उसकी माँ का। तो अभी हो गए तीनों सेप्टर में बंद, और कुछ दिनों में 4 हो जाएंगे वो। तो बाकी सभी गाय अपनी चारा खा रही है, तो अभी छोड़ दिया है सभी को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।